की कहानी कठपुतलियों की जुबानी सुनाने आ रहे हैं भारतीय सिद्धार्थ एस कठपुतली। हमारा नाम देवदास पांडे है, हमारा अम्मा का नाम अम्मा यादव, हमारा बापू का नाम बापू यादव और हमारा नाम सिद्धार्थ जाधव। और लौंडा का गौंडा देवदास पांडे ने गज गजाई के शक लड़ाया बतासिर की बेटी पारो से। और ई है हमार बतासिर चाचा। अरे ये तो इतना फेमस है कि थप्पड़ खाई खाई के मुंबई में 2 BHK बना लिए। अरे अभी तो रिक्शा से आवत है तो रिक्शा का भाड़ा हो गया 30 रुपया, तो रिक्शा वाले को कहते ओ भैया 35 रुपए का एक थप्पड़ लगाई दो और 5 रुपए वापस कर दो। हमार तो बोल बच्चन बहुत हो गया, हमार पारो किधर है? पारो पारो ससुर के नाती, देवदास क्लासिक फिल्म है तो हमार एंट्री पे कोई क्लासिक गाना बजा। आ गई तोहर पारो। अरे जैसी तेरी साइज है तू पारो नहीं तो 1 साथ 4 लागत है। बबुआ हाँ। हम सुनत है कि तू पढ़ना खातिर विदेश यूनिवर्सिटी में जा रही। हाँ। कुनो यूनिवर्सिटी है वो? लंदन यूनिवर्सिटी दरभंगा। का? 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 अरे तू स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये डेली सोप वाली की तरह का रिएक्शन देवत है। और वैसे भी सोयलवा का पूरी नजर है डेली सोप के आर्टिस्ट वहाँ पर। अब का नजर सोयलवा पर है? अरे कल तो ड्रेस दादा स्कर्ट में छोटा सा स्कर्ट लेके आई रह गए ऐसे ऐसे। हाँ? तो सोयलवा बोले हे दादा स्कर्ट तो लिया है, बीच का रश्मि दिसाई किधर है? अरे लेकिन हमार अर्चना बहुत टैलेंटेड औरत है। क्या बात कर, बहुत टैलेंट है। अरे ऊ का मूछे लगा दो तो बिल्कुल, अरे बिल्कुल मनोज तिवारी लागत है। और मूछे निकाल दो तो पूरा पूरा, अरे कभी कभार का होता है कि उसकी रस्सी टूट गया हम फेंक जामे है कि हाथ से काट है, तो हम का कहते अरे ऊ का मूछे निकाल दो तो मनोज तिवारी लागत है और मूछे निकालो तो रवि किशन। तो अब ये अर्चना कब लागत है? अरे हफ्ते में सुई 2 बार, शनिवार और रविवार रात को 9 बजे सोनी टीवी पर। दे बबुआ तनिक हिया आओ। काहे काहे हिया आओ। अरे ऊ तो फिर भी 2 दिन लागत है, लेकिन तू ऐसे ऐसे करत है कठपुतली कम और कराटे वाला ज्यादा लागत है। अरे नहीं ऐसा बातें नहीं कर। अरे ऐसा करके हमारा काका सुपरस्टार बन गया रे। और हर हीरो हाथ का सहारा लेके स्टार बन गया। देखो अमिताभ बच्चन है, राजकुमार जानी, ना हम शत्रु नहीं करत। काहे नहीं करत? अरे जब भी हम शत्रु करत हमारा गुत्ताड़ा हो जाता है। ए बबुआ तू समझी काहे नहीं लेत, ऊ लोग स्टार हीरो होवे। हाँ। अपना शकल देख ऐसे लागत घर के ऊपर कुकर रखे आवत है। सबके सामने हमारी बेइज्जती करत बा, हम जात बा। ए बबुआ तुहार रसीली पारो को छोड़त कहाँ जाबा? तो पारो आ जाए फिर लब लबाई के इसक करे। नहीं दे बबुआ नहीं। काहे नहीं? अब तो हार पारो अपवित्र है। का? जब तू गोकमा नहीं थे हमका अकेला छोड़ के चला गए थे तो गांव का प्रधान तो हार पारो पे प्रधानी करने की कोशिश करे। प्रधान प्रधान कोशिश करे पूरा गांव नहीं। गांव का प्रधान हमका जबरदस्ती गन्ना का खेत में ले जाने की कोशिश करे, लेकिन हम उसका पूरा विरोध करे। प्रधान हम तुमका साथ में गन्ना का खेत में नहीं जाबत हमका सरसों का खेत में ले चलो। वाह 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 वाह, ऐसन बात करके तुम अपनी औकात दिखाई दियल गरीब औरत। अरे का नहीं हमरा पास, हमारा बाप का पास बैल बा, बाड़ी बा, ट्रैक्टर बा, खेत बा, तुहार बाप के पास की बा? कहा बोलत हो? तुहार बाप के पास
खेत होएला तो हमार बापू के पास बीज होएला, क्योंकि अगर बीज नहीं बोएला तो क्या काटेला और क्या उखाड़ेला। पारो यहाँ आओ, जबान लड़ाओ थे। वाह देव बबुआ वाह, अपनी पारत को सबके सामने मारत हो। हाँ। अब मैं बैक स्टेज जाला और तू मेरे बिना अकेला ही जो स्टैंड अप करके गंद बिखेरेला, तू अकेला ही पोछेला। मैं अपने बापू के साथ जाएला। हे बापू चल हमार पीछे आएला। पारो ना जा, पारो ना जा, पारो। और फिर पारो के अलग होने के बाद देवदास की नशा करके ही दशा हो गई कि वो एक नंबर का ससुर का नाती और कुकुर बन गया था। और ओका बाद उसका जिंदगी में आई कजरी कबूतरी की बेटी, और ये है अम्मा कजरी कबूतरी। ये हमार अम्मा कबूतरी। अरे ये तो इतनी पुरानी है, इतनी पुरानी है कि इसके बारे में हम बात करना छोड़ दिए। और ओका बाद देव बबुआ की जिंदगी में आई गदरीली जवानी और चोलिया से प्यार चुएला जैसे फिल्मों के हीरोइन चंद्रमुखी। साथ सर, जब एक बार तुमको बोल दिया मेरी तरफ से ना है तो बार बार इधर क्या करने आ जाते हो। तुमको तो पता है जिस सीजन में जो नया जज होता है मेरा टांका उसके साथ भिड़ा होता है, फिर भी पता नहीं किस उम्मीद से आते हो तुम। खैर उम्मीद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन ये कौन सी पंजाबन नई उम्मीद लेकर आए हो। अरे ये तो 4 दिन की चांदनी है, इधर देखो पूरे साल का जनरेटर। क्या बात है भारती, सुपर चल रहा है, एक्ट तो अच्छा है। देखो रिहर्सल तो सुपर हो गई। हाँ। ऐसे एक्ट कर देंगे सबको, सबको खुश कर देंगे। हाँ, क्योंकि हमारी स्क्रिप्ट भी अच्छी है, सेटअप भी अच्छा है, और तुमने 3-4 ही फंबल मारे, बाकी फ्लो भी अच्छा है। और पागलपति बोले तो पागलपति अपने पास है, मजा रे मजा। जब मेले में बच्चा खोता है तो उसकी माँ का क्या हाल होता है, ये दिखाने आ रहे हैं सुहासी एज मदर एंड राजीव एज खोना पाना कर्मचारी। मेले में आज आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मेले में कोई भीड़ में ना चले, सब भीड़ से अलग चले, भीड़ से अलग चले। कपिल समझदार है, भीड़ से अलग चलता है। बाकी सब लोग भीड़ में चल रहे हैं और सुदेश कृष्णा एक वाहिद जोड़ी है जो लीड से भीड़ में आ गई। वेलकम बैक सुदेश कृष्णा, वेलकम बैक। सब लोग भीड़ में अपने साथ वाले का हाथ पकड़ के रखें, जरूरी नहीं जब नंबर देने हैं तभी, आप कभी भी पकड़ सकते हैं। नमस्ते तुषार जी, मैंने सुना है कि अर्चना जी के साथ जो भी जज गायब होते हैं वो दोबारा पाए नहीं जाते। लेकिन हमने खोया पाया विभाग खोला, आते ही सबसे पहले अपना पुराना जज पा लिया। आप अपनी चांदनी साथ लाए हैं, मेरी चांदनी पता नहीं कब आएगी, लेकिन हमारे लिए तोहफा साथ में लेके आए हैं, थैंक यू। मैं तेरे थप्पड़ मारना है, खुद डेली सॉल्व करती रहती है, हमारे पास एक ही शो है उसको भी बोल रही है शोना शोना। हम तो कुछ भी कर लेंगे लेकिन अर्चना जी बेचारी क्या करेंगी। सोचो जो खुद घाट कोपर के स्कूल में पढ़ी हो और आज इस शो की वजह से उसके बच्चों ने फुटबॉल भी खेलना होता तो लंदन खेलने जाते हैं। मुझे कंप्लेन करवानी है, मेरा बच्चा खो गया है, खो गया खो गया खो गया। कैसे खो गया, कैसे खो गया, कैसे खो गया, खो कैसे गया, जैसे तू दौड़ती फिर रही है मुझे तो डाउट है तेरे घर में बच्चा हो कैसे गया। ओ अच्छा, सफेद साड़ी का कितना शौक है ना इसको। मुझे तो लगता है जैसे तू कर रही है तू कहीं खो गई है। अरे सोना मैं कैसे खो सकती हूँ, तो दिखती भी कहाँ है। वो तो मेरे सोहेल जी से पूछो, वो तो हमेशा मेरा ही इंतजार करते रहते हैं, है ना। गलत फहमी है तेरी, आज गौर से देख दो कुर्सियां छोड़ के, कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट है, कुलराज रंधावा। लेकिन सच्ची बोलूं जब मैंने नाम सुना ना कुलराज रंधावा आ रही, मैंने कहा यार हॉकी का प्लेयर कौन आ रहा है। मुझे मेरा बच्चा दे दो। मिल जाएगा, मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कितना? 9 महीने। मेरे टैलेंट के लिए थैंक यू। मुझे मेरा पुराना वाला बच्चा चाहिए। अब क्या तुझे मैं एक के हंगल को डायपर पहना के दे दूं, उससे पुराना बच्चा कोई नहीं है यहाँ पे। अरे मेरा बच्चा खो गया है, मेरा बच्चा ढूंढो सोना। अच्छा वो खो गया, वो ढूंढना है, ओके। एक काम करो, ये बता तेरे बच्चे की हाइट कितनी है। 4 फीट। ओके। जूते निकालने के बाद 8 इंच। तो सीधी तरह बोलना, जूते खो गए, बच्चा बीच में फंसा हुआ था।
एक काम, ये बम रख ले। बेटा काम नहीं आएगा तो फेंक तो सकती है। अपना बम ना हो ना तो दूसरों का बम देख के ऐसे चीखे निकलती है। अरे ये बम किसका हो सकता है? जेनिफर लोपेज का तो है नहीं। किसी के बाहर वाले का होगा, क्योंकि जिस तरह की इसने कास्टिंग की है इस बार सब फुलझड़ियां हैं, बम तो कोई है ही नहीं। अरे पागल मर जाओगे, जिसका है उसे वापस कर दो भाई। अरे भाई भाई। खोया पाया विभाग में जो चीजें आती है सब चीज लोग लेने नहीं आते हैं। पिछली बार मुझे एक लोन के पेपर मिल गए, बंदा लेने नहीं आया, अभी तक उसके किस्ते भर रहा हूं मैं। ये देखो ये बच्चा देखो, शक्ति कपूर का लेने नहीं आया अभी तक। ये देखो शक्ति कपूर, ये शक्ति ये देखो कब, जितना टैलेंट उसने दिखाया मुझे लगता है कब उसको मिलना चाहिए। ये देखिए दांत तो आप समझ गए होंगे किसके हैं, लेने नहीं आती। एक ब्रश तो कर लिया कर, इतने कीड़े मिल रहे हैं अंदर। ये देखो गरम चाय का कप, कोई कल मुझे दे गया यहां पर, लेने नहीं आ रहा वापस, बार बार गर्म करके रखना पड़ रहा है मुझे। तो अब अरे वो तो मेरा बच्चा है। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ। अच्छा गौर से देखो। अरे हाँ ये तो मेरा है। हैं? तेरा है? ओके अभी पूछ लेता हूँ। बेटा ये तेरी माँ है? बहुत बोल कम बे। बोलता है। बोल। कम बोलता है और मेरे कहने पर ही बोलता है। वे, 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 वे। ओहो, तो मैडम के कहने पे बोलता है, बड़ा होके पीएम बनेगा, बड़े काम की चीज है, इसको संभाल के रख लेता हूँ मैं। अरे, मुझे मेरा बच्चा दो। नहीं 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 दूंगा। तो मैं बम फोड़ डालूंगी। तुझसे कभी पंच नहीं फूटा, बम कहाँ से फोड़ेगी? ला ये भी मैं फोड़ देता हूँ। अरे बम तो हाथ में है। ए! नहीं फूटा। ये फटे ना फटे ये जरूर फाड़ेंगे। ले जा, कब तक एक बम पे बैठी रहेगी। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.